बियरिंग देख सकते हैं, मतलब देख सकते कितना हालत खराब है, देख सकते देख लीजिए इसका बियरिंग फूट गया है। क्लच का जो बियरिंग होता है बाकी सब ठीक है, बट ये बियरिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बियरिंग जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसको नया बियरिंग लाते हैं। इसका नंबर भी मुझे शायद पता नहीं, लिखा है शायद कुछ 6 20 8, इसका नंबर नोट कर लीजिए 6 20 8। मैं जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, मैं बाद में बोलूँगा क्या क्या हुआ था, बट इसकी हालत बहुत ही ख़राब है इंजन का। ये तो ठीक है फिर भी चल जाएगा। फाइनल हमको बियरिंग मिल चुका है, HCG कंपनी का मुझे मिला है, बट अभी फिलहाल लगा देते हैं, बट मुझे कभी जाना है तो इसलिए हम जल्दी वीडियो बना रहे हैं। बट अगर अब इंजन खोल ही चुका है तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे जो फिल्टर रहता है, अब एक बार क्लीन अगर क्लच चेंबर आपका खोल रहा है और इसमें हम नया इंजन ऑयल भी डालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ और इसको परवट क्लीन करते हैं और फिर पहले बियरिंग को फिटिंग करते हैं। और इसके बियरिंग के देख सकते हैं दो दो मतलब दो सील लगा हुआ है, बट इसमें सील आपको नहीं लगाना है क्योंकि सील को हटा देना, क्योंकि इसमें मोबिल जाएगा तब आपको बियरिंग रूपडिकेट होता रहेगा। तो यहाँ पे इस सील जो है सील को आपको हटाना पड़ेगा, उस तो सील को हमने हटा दिया देख सकते हैं जो सील था, क्योंकि इसमें जब जब तक लूब्रिकेट आता रहेगा तो बियरिंग स्मूथ काम करेगा, तो इंजन का अंदर ही रहता है, तो इसको हमें सील लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस ओल्ड बियरिंग में हालत दिखाया था, देख सकते कितना प्ले है, देख सकते हैं पूरा टूट चुका है। मैंने साउंड नहीं रिकॉर्ड कर पाया दोस्तों, क्योंकि साउंड अगर रिकॉर्ड कर पाया तो आपको मज़ा आ जाता, कि बहुत ही गंदा साउंड आता है, कड़ कड़ कर इस मतलब चैम्बर से, मतलब आपको डर जाएंगे अगर वो साउंड सुनेंगे, ठीक है। सो जो कटर होता है इसका अंदर इसको लगाना है, ठीक है। पहले हम थोड़ा लुब्रिकेट कर देते हैं, इजीली जाएगा। बिल्कुल सीधा करके आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो टेढ़ा जाएगा। और ये बियरिंग ये पूरी तरह बैठ चुका है, इसको हम थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको लगा दें, यहाँ पे लगाना है, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लगाना है। और ये लग गया प्रॉपर तरीके से, और ये जाली इसको क्लीन करते हैं अच्छे तरीके से। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा, इज द पार्टिकल ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसके इंजन का अंदर से लिखना, क्योंकि फास्ट सर्विसिंग हम कर रहे हैं, मतलब इंजन जब नया बनाया तो उसके बाद से हम 600 किलोमीटर रन हो चुका है, उसके बाद देख सकते हैं पार्टिकल, इसको प्रॉपर क्लीन करना बहुत ज़रूरत है। तो मैं सब कुछ क्लीन कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्लीन जितना हो सके कर लिया है, अब ये जो इसको भी हमने क्लीन कर लिया, इसको लगाते हैं फटाफट, प्रेस कर इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है, ठीक है। नीचे लग गया, अब पैकिंग जो है फटा नहीं है, ठीक है, पैकिंग जो है बिल्कुल ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, अभी गंदगी यहाँ पे है, हम लगा दिया है, अब इसको हम लगा देते हैं, इसको हमने लगाने वाला है। और हमने उस पर सारा बोल्ट लगा दिया है, और मैंने जो वीडियो का पहले यूज़ किया था फर्स्ट, मतलब जब इंजन बना था तभी ये वाला वाला यूज़ किया था, और इसमें इतना अमाउंट निकला है, मतलब ठीक है। और हम चेंज कर रहे हैं, अरे जो बोल्ट है हम लगा देते हैं अभी। सो ये रहा वॉशर, ठीक है, इसके अंदर गिर चुका था। क्या क्या करना पड़ता है इस बाइक के लिए, ठीक है, इसको हम लगा देते हैं वॉशर को, ऐसे क्लीन कर लेते हैं, देख सकते हाथ कितना गंदा हो चुका है। और मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ कितना चला हुआ है, स्टार्टिंग से मीटर में हमने नया लगाया था 570, इसमें 1 मीटर का वायर कट गया था, सो आप 30 मान के चल, मतलब 600 किलोमीटर अब चल चुका है सिंगल मतलब फर्स्ट मोबाइल पे। सो अब हम मोबाइल चेंज कर रहे हैं, मैं हम आपको दिखा था कौन सा मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं। और आप अभी ऑयल यूज़ कर रहे हैं सेल एडवांस का, इसमें 22-50 एक्सपेरिमेंट हम बाद में करेंगे, जल्दबाजी में हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें 22-50 नहीं डाल रहे हैं, हम जो स्टॉक है 20-40 वही हम डाल रहे हैं। और सेल का मुझे मैंने सुना था सेल का बहुत ही
अच्छा होता है। तो मैंने सेल का फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं परफॉर्मेंस, मैं आपको बाद में तो रिव्यू दे ही दूंगा। और इसका कलर देखिए, मतलब गोल्ड टाइप का है, और जो हमने पिछले वाले यूज़ किया था वो रेड टाइप का था। देखने में तो अच्छा लग रहा है, इसका कलर देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है वीडियो से। और ठीक है, और यहाँ पे मैं शीशा दिखा देता हूँ, जो ऑयल ग्लास होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड देख सकते हैं। ऑयल जो है बिल्कुल सारा दिखाई देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा है। ठीक है, और हमने नीचे का बोल्ट टाइट कर दिया, और फटाफट चले इसको किक लगाते हैं, और इसका जो लॉक नट रहता है इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये वीडियो बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि अच्छे से बनाऊंगा ये वाला वीडियो, बट क्या करते, जल्दबाजी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें किक लगाते चटपट, ये किक है। ठीक है, किक का बोल्ट, आई होप कुछ भी गड़बड़ ना हुआ हो। तो सिंपली हम एक बार क्लच का देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल झक्कास हो चुका है क्लच। ठीक है, और यहाँ पे क्लच बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, और हम एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि कुछ भी इशू नहीं है। ठीक है, और एक बार स्टार्ट नहीं करना है, जस्ट हल्का सा एक बार क्रैंक देना है आपको। ठीक है, अब चाबी ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं बाइक को। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। ऐसा आपको 1 मिनट या 2 मिनट रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू इंजन ऑयल है, और कुछ भी आपको रेस नहीं देना है। सो ये था वीडियो दोस्तों, मुझे बहुत ही बताया कि वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, और वीडियो भी अच्छा नहीं से बनाए, बट मुझे भी कहीं से जाना भी है। और इसमें चेक कर लीजिए, जो बोल्ट है नीचे का बोल्ट है वो पूरी तरह से टाइट हो। ठीक है, और आशा करते वीडियो को पसंद आएगा, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।